मामा, वेलकम बैक मामा। कैसे हो बेटा, मिस किया तुमने मामा को? तो और क्या, बहुत ज्यादा मिस किया मैंने आपको। बेटा मजबूरी थी, वरना तुम्हें छोड़ के जाना मेरे लिए नामुमकिन। आसिफ कैसे हो? जैसे आप छोड़ के गई थी वैसा ही हूँ। यानी खराब, बल्कि बहुत ही खराब। आमिर तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तैयार हो रहे हैं वो। मेरा बैग ले जाओ कि बेटा अंदर। आमिर अंदर जाओ ना। अच्छा चलो ना, मेरा बैग रखो, मैं आती हूँ। आसिफ बेटा तुम्हारा खाना पीना ठीक नहीं था, कितने कमजोर हो गए हो। आसिफ सोफिया बात क्यों नहीं सुनती हो तुम मेरी? सुन तो रही हूँ, और क्या करूँ। तुम कहती हो तुम मामी से बात करूँ? कोई फायदा नहीं है, अम्मी ने एक बार जो सोच लिया ना, सालों उसको प्रोसेस करने में ही गुजार देती हैं। वैसे भी जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता, मैं नहीं चाहती अम्मी को पता चले कि मैं हॉस्टल में रहूंगी। सच पूछो तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम हॉस्टल में अकेली। अकेली? पूरा कॉलेज होगा मेरे साथ। अब तुम फजूल में बीच में नॉट ना डालो। अभी एडमिशन हुआ नहीं और तुम्हारे और अम्मा जैसे हमदर्दों को पहले ही दुख हो गया। मैं सिर्फ हमदर्द हूँ तुम्हारा? नहीं, कजन भी हो। फर्स्ट कजन। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो छिन जाता ना तुमसे अगर सेकंड कजन होते। ठीक है ना, पागल हो। चलो और चले मुझे। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है तुम आ गई हो। और आमिर भी वैसे बड़ा डिस्टर्ब था। जी जाहिर बात है, मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकता है बच्चा। वो क्या हाल है तुम्हारी बहन का? शाकरा ठीक है, लेकिन शाइस्ता की शादी पे नहीं मैं जा सकी। मैंने भाभी को फोन किया था, लेकिन लगता है वो मुझसे खफा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी नेक दिल औरत है, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को समझ गई। बस बड़ी सादगी से निकाह और रुखसति की है बच्ची की। सच पूछो तो सलमा भाभी ने बड़ी अच्छी तरबियत की है दोनों बच्चों की। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। शाइस्ता तो अपने घर वाली होगी। रही बिट्टो, डॉक्टर बनना चाह रही है, और मैंने भी भाभी से कह दिया मैं आपके साथ हूँ। अरे आप मुझे क्यों भूल गए? उस यतीम बच्ची की खिदमत करने में मेरा भी तो हिस्सा। अरे क्या हो गया, खैर है? पता नहीं मुझे चक्कर सा आ गया, शायद वो शाकरा के साथ सही रात जागती थी तो नींद की कमी हो गई। अरे बस बस, क्या हो गया तुम्हें? खुद को संभालो, जानती हो ना आज आमिर की फ्लाइट है, तुमने बहुत कुछ करना है आज। चलो जी, हद करती हो भाई, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। कितनी बार तुम्हें समझाया? जी बस वो थोड़ा आराम करूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। और चलो